क्या हो अगर तुम्हें एक ऐसे वीरान आइलैंड पर छोड़ दिया जाए जहाँ पे खाने का नामो निशान नहीं है, ऊपर से एक भी पेड़ नहीं। आज मैं एक ऐसे वीरान आइलैंड पे 100 दिन सरवाइव करने वाला हूँ जिस आइलैंड पे एक भी पेड़ और मॉब्स का नामो निशान नहीं है। तो जैसे ही मैं इस आइलैंड पे स्पॉन होता हूँ, मेरे को पता चलता है कि मेरे पास में एक रूइन पोर्टल है। मैं इसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ और निकल पड़ता हूँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन मैं जैसे इसके पास में आता हूँ, मेरे को पता चलता है इसके पास में एक भी चेस्ट नहीं है। ये चीज देख के मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी इस आइलैंड से दूर दूर तक सिर्फ पानी है। तो यहाँ पे कुछ सुगर केन थे जिनको मैं तोड़ देता हूँ और थोड़ी बहुत सैंड इकट्ठा करके अपने इस आइलैंड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि इस आइलैंड पे मैं अपने सुगर केन को और भी ज्यादा ग्रो कर सकूँ। तो मैंने सैंड से कुछ अपना एरिया बड़ा करा, उसके बाद में सारे के सारे सुगर केन को यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ, जिससे कि ये और भी ज्यादा ग्रो हो और जब विलेजर आए तो मैं उनसे ट्रेड कर सकूँ। यहाँ से मैंने डर्ट का एक ब्लॉक ले लिया और सीधा कूद गया समुद्र में खाना इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि डे वन को कुछ खास करने के लिए था नहीं। ऊपर से रोइन पोर्टल पे एक भी चेस्ट नहीं थी, लेकिन भूख मिटाने के लिए खाना तो इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी मछलियों को मोट के घाट उतार दिया और सीधा आ गया अपने मेन आइलैंड पे। अब मुझे रात का ठिकाना भी करना था, तो मैं यहाँ पे डर्ट ब्लॉक इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे कि मैं एक छोटा सा बेस बना सकूँ। तो मैंने बहुत सारी डर्ट इकट्ठा कर ली, अभी मैं छोटा सा एक बेस बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं रात गुजार सकूँ और अगर कोई ज़ॉम्बी स्पॉन होता है तो उससे बच जाऊँ। इसी के साथ मैंने अपना छोटा सा बेस बना लिया और इसके अंदर आ गया। अब ये आइलैंड इतना छोटा है कि यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी भी स्पॉन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। तो मैं अपने मस्त रात का मजा लेने लग जाता हूँ। तो मेरे आइलैंड से यहाँ पे कुछ रोशनी दिख रही थी, तो मैं चेक करने आता हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो जैसे मैं पास में आके देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है यहाँ पे ओसिन मॉन्यूमेंट है। अब इन पे रेड करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं जल्दी से दुम भगा के यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास कुछ शील्ड भी नहीं है। अपने मेन आइलैंड पे जाते समय कुछ मछलियों को मैंने मौत के घाट उतार दिया और थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा कर लिया। मेरे आइलैंड के पास में एक सेपरेट थी, मतलब मेरी वुड की टेंशन तो खत्म हो चुकी है। तो मैंने वुड इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं इसके आसपास देखता हूँ कि यहाँ पे कोई चेस्ट है या नहीं, तो मेरे को एक चेस्ट मिलती है लेकिन ये खुल नहीं रही थी। तो मैंने इसको तोड़ने का ट्राई करा लेकिन ये टूट भी नहीं रही थी। भाई मैं गेम को खेल रहा था, ये गेम मेरे साथ खेल रहा है। तो मेरे को ऊपर आके पता चलता है कि मेरा गेम ग्लिच हो चुका है और यहाँ पे मैं खाना भी नहीं खा पा रहा। तो अचानक से मेरा चेस्ट खुलता है, तो आखिरकार ये चेस्ट मैंने लूट लिया, लेकिन मेरे को इसमें कुछ ज्यादा नहीं मिला, कुछ पेपर और कुछ मैप मिले। इस शिप के अंदर एक और चेस्ट थी जिसमें से मेरे को कुछ आलू मिले और एक लेदर की पैंट। यहाँ पे मेरे को पानी ने छाटे मारना स्टार्ट कर दिया और ऊपर से मैं बाल बाल बचा। वहां से निकलते समय मेरे को एक और सिप दिखती जो कि उससे बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और यहाँ पर मैं एक पॉइजन वाला आलू खा लेता हूँ जिससे कि मेरे को बहुत ज्यादा थपेड़े पड़ते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके मैं बच गया। इस सिपरेक के अंदर भी एक चेस्ट थी जिसमें से मेरे को कुछ लेपिस और आयरन निगेट मिले। थोड़ी बहुत लूट लूटने के बाद में मैं सीधा अपने मेन आइलैंड पे आता हूँ और यहाँ पे आके अपने इस वर्ल्ड की सबसे पहली क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक एक्स बनाने वाला था, लेकिन गलती से मेरे से एक और पिकेट्स बन जाता। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने पिकेट्स के अंदर सारा का सारा आयरन बिगाड़ दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक आयरन नगेट और पड़ा था जिससे कि मैंने एक सवाल बना ली। फिर मैं समुद्र में आ गया और यहाँ पे मछली मारना स्टार्ट कर देता हूँ और खाना इकट्ठा करता हूँ, और आखिरकार मैं अब माइन कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़े बहुत स्टोन तोड़े जिससे कि मैं अपने थोड़े बहुत स्टोन टूल बना सकूँ और दो फर्नेस बना सकूँ। क्राफ्टिंग टेबल रख के मैंने सबसे पहले दो फर्नेस बनाए और आखिरकार मैं अब अपना खाना पका सकूँ। लेकिन मैंने जब खाना पकाने के लिए ढाला तो मेरे को पता चलता कि मेरे पास तो कोल भी नहीं है। इसका मतलब कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पे माइन करना पड़ेगा। तो फिर क्या, जल्दी से मैं अपना माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ और थोड़ा बहुत नीचे खोदने के बाद में मेरे को यहाँ पे कोल मिल जाता, जिसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ। आखिरकार मैं अपना खाना पका सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत कोल ढाल के यहाँ पे मैंने केल्प को पकाया और इसमें से थोड़ा बहुत कोल निकाल के दूसरे फर्नेस डाल दिया जिसमें कि मैं अपने फिश को यहाँ पे पका सकूं। तो आखिरकार मैंने अपने इस वर्ल्ड का सबसे पहला पका हुआ खाना खाया। अब मेरे को रात को कुछ करने को था नहीं, तो मैंने थोड़ी बहुत और माइनिंग करी। अब मेरे को फिश मारते मारते थोड़ी बहुत बोन मिल मिली थी जिनको मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे वेस्ट कर दिया। मैंने सोचा कि यहाँ पे एक पेड़ निकल पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ झाड़ियाँ उग चुकी है जिनको तोड़ के मैं जल्दी से सीड इकट्ठा करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगता। अब मैंने हो बनाकर थोड़ा बहुत खेती का इलाका बना दिया जिसमें कि मेरे पास जो सीड है वो उगा सकूं। मेरे पास खाने की कमी हो रही थी, तो मैं फिर से समुद्र में उतर जाता हूँ और यहाँ पे मछलियों की हत्या करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मैंने बहुत सारी यहाँ पे फिश मारी और अपने लिए फूड इकट्ठा किया। एक बात बहुत अच्छी हो रही थी, इन मछलियों से मेरे को बोन मील भी मिल रही थी जिससे कि अगर मेरे को कोई पेड़ मिलता है तो मैं उनको ग्रो कर सकूं। अब मैं फूड इकट्ठा करने वापस उस सिपरेक पे आता हूँ और इस बार मैं फूड ज्यादा लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे पास इस बार एक्स है। तो मैंने अपने एक्स से बहुत ही ज्यादा फूड इकट्ठा करी। यहाँ पे ट्रेप डोर के अंदर मेरे को एक चेस्ट मिलती है जिसमें कि एक लेदर की पैंट थी और बहुत सारे आलू मिलते हैं। इसका मतलब कि मैं अब आलू भी उगा सकता हूँ। तो यहाँ पे दरवाजे वाली ट्रिक अपना के मेरे को एक और चेस्ट मिलती है जिसमें से मेरे को दो बुक्स मिलती है और बाकी एक मैप मिलता है जो कि बहुत ही बेकार है। लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वुड इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे सामान इकट्ठा करते करते भाई पता नहीं कौन सा ज़ॉम्बी आ गया जो कि मेरे को ट्राइडेंट से मार रहा था, और जब तक मैं भागता हूँ उसने मेरे को मार दिया। अब मैं इतना सामान खोना नहीं चाहता था, तो मैं जल्दी से उस तरफ भागता हूँ जहाँ पे लास्ट टाइम मैं मरा। लकीली मेरे को वो जगह याद थी और मेरे घर से बिल्कुल पास में थी, तो मैं जल्दी से वहाँ पे पहुंच जाता हूँ। मेरा सारा का सारा सामान यहीं पे टेर रहा था, तो ये सारा सामान मैं जल्दी से इकट्ठा करता हूँ। अच्छा हुआ कि वो बंदा यहाँ से जा चुका जिसने मेरे को लास्ट टाइम मारा था। तो मैंने ये सारा सामान जल्दी से इकट्ठा करा और जल्दी से मैं अपने साले आइलैंड पे आ गया। तो मैंने अपने शुगर केन को तोड़ा और थोड़ा बहुत और भी ज्यादा ग्रो किया। मैंने जल्दी से एक चेस्ट बनाई और
और सारा का सारा सामान जितना भी मैं लूट के लेके आया था इस चेस्ट के अंदर भर देता हूँ, जिससे कि आगे अगर मैं कभी भी मरता हूँ तो मेरा सामान तो सेफ रहे। मैंने अपनी खेती का एरिया थोड़ा सा बड़ा करा जिससे कि मेरे को जो आलू मिले थे उसको मैं उगा सकूं। तो मैंने सारे के सारे आलू यहाँ पे प्लांट कर दिए और सीधा पहुंच गया माइन करने के लिए। माइन करते करते मेरे को यहाँ पे एक माइन शाफ्ट मिलती है, इसका मतलब कि ढेर सारी लूट। तो जल्दी से मैं इस माइन शाफ्ट के अंदर आ जाता हूँ और मुझे इस वर्ल्ड का सबसे पहला गोल्ड का ओर मिलता है। तो मैंने जल्दी से इस गोल्ड को कलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे को एक आयरन भी मिलता है जिसको मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। आगे क्रीपर ने आके मेरे को मिनी हार्ट अटैक दे दिया। भाई मेरे को इतना डर लगा कि मेरे से मेन्यू खुल गया। इसके बाद में एक ज़ॉम्बी आया जिसको मैंने लपेट दिया। माइन शाफ्ट जाने मेरे को यहाँ पे वुड भी मिल सकती है, यानी कि मेरे को इनफाइनाइट वुड सोर्स भी मिल सकता है। और मुझे यहाँ पे सामने मोस्ट ब्लॉक दिखता है तो इसका मतलब कि यहाँ पे इनफाइनाइट वुड सोर्स है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मोस्ट ब्लॉक कलेक्ट किए जिससे कि मैं अपने मेन आइलैंड पे जाके इनको ग्रो कर सकूं और मुझे ओक वुड मिल सके। अब यहाँ पे स्टिंग भी थी जो मेरे को कलेक्ट करना था जिससे कि मैं एक बेड बना सकूं, मैं अपने पहली रात निकाल सकूं, यानी कि इस आइलैंड पे पहली बार सो सकूं। तो सबसे पहले मेरे को एक शील्ड बनानी थी जिससे कि मैं अब ज़ॉम्बी से बच सकता हूं और साथ के साथ मैं जल्दी से एक स्वॉर्ड बना लेता हूं जिससे कि मैं इन इंस्टिंक्ट को कलेक्ट कर सकूं। तो मेरा पूरा डे 3 इन इंस्टिंक्ट को कलेक्ट करने में और माइनशाफ्ट को लूटने में निकल जाता है। यहाँ पे मेरे सामने एक और क्रीपर आ गया जिससे कि मैंने पुराने वाले क्रीपर का बदला ले लिया और इसको बहुत ही ज्यादा बुरी मौत मारा। इस क्रीपर की हाथ में मेरे को बहुत ही ज्यादा बद्दुआ देगी। यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट दिखती है जिसके अंदर बहुत सारी टॉर्च थी और ग्लोबेरी और एक नेमटेक मिलता है। ये नेमटेक मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि अगर कोई ज़ॉम्बी विलेजर आता है तो मैं उसको नाम दे सकता हूँ। तो सारी की सारी लूट मैंने जल्दी से कलेक्ट कर ली और वापस लग गया इन स्टिंग को निकालने में। अब माइनशाफ्ट में लैपिस ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो बहुत सारे लैपिस मैंने कलेक्ट किए और यहाँ पे दिखता है मेरे को खजाना। यहाँ पे बहुत सारा वुड था जिसको कि मैं कलेक्ट करके लेके जाने वाला हूँ और यहाँ से मैं बोमोस ब्लॉक लेके चल जाऊंगा जिनको कि मैं अपने आइलैंड पे उगा सकूं। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे आयरन मिलता है तो जल्दी से मैं इनको कलेक्ट करता हूँ। और आयरन की कमी तो मेरे पास है नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आयरन है। तो सारे आयरन को मैंने कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे को एक ट्री मिलता है, यानी कि मैं अब अपनी ट्री अपने मेन आइलैंड पे उगा सकता हूँ और मेरे को अपने वर्ल्ड का सबसे पहला डायमंड मिलता है। मैं इसके आसपास के ब्लॉक हटा के देखता हूँ कि यहाँ पे एक डायमंड है या एक से ज्यादा, लेकिन मेरी किस्मत क्या थी मेरे को यहाँ पे एक ही डायमंड मिलता है। तो जल्दी से मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे करके मैंने अपने वर्ल्ड का सबसे पहला डायमंड लिया। भाई ये खुशी बहुत ही ज्यादा थी मेरे लिए और इसी के साथ मेरे को डायमंड की अचीवमेंट भी मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से फर्नेस लगाया और मेरा आर्मर बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो जल्दी से मैंने पहले तो अपना एक हेलमेट बनाया और साथ के साथ जल्दी से मैंने एक चेस्ट भी बनाई। भाई मेरे को जहाँ पे भी लूट दिख रही थी ना मैं पूरा का पूरा लूट रहा था, इतना बड़ा लुटेरा कब बन गया मेरे को खुद को पता नहीं। माइन साफ एक्सप्लोर करते करते मेरे को एक और डायमंड मिलता है। तो मैं जल्दी से इसके आगे पीछे के सारे ब्लॉक हटाता हूँ और मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 डायमंड है। भाई मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तो जल्दी से मैं इन सारे डायमंड को माइन करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। आखिरकार मेरे को एक स्पाइडर स्पॉनर मिलता है और मैं गधा इस होश से इन इंस्टिंक्ट को उठा रहा हूँ। ये सब देख के एक स्पाइडर ने मेरे पे हमला कर दिया और भाई ये स्पाइडर मेरे को लगभग मार ही देती। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास शील्ड थी इसलिए मैंने इस स्पाइडर को मार दिया। अब मेरे को एक एक कदम फूक के रखना पड़ेगा। तो मैंने थोड़े बहुत स्टिंग निकाले और यहाँ पे 2 स्पाइडर और भी थी जो कि पता नहीं अब क्या कर रही है। ये देखो ये दोनों स्पाइडर तो पता नहीं क्या है गुपचुप कर रही है। इनको मेरे को मारना पड़ा नहीं तो ये अपने बच्चे दे देते। तो मेरे को यहाँ पे सारे के सारे स्टिंग हटानी थी और इसके ऊपर टॉर्च लगानी थी। माइन साफ से निकलने से पहले मैंने बहुत सारा आयरन कलेक्ट किया और लेपिस माइन करते करते मेरे को एक और डायमंड मिलता है। भाई मेरे इस खुशी का ठिकाना तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जल्दी से मैं आसपास की ब्लॉक तोड़ता हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ पे 3 डायमंड है। जल्दी से मैंने इन तीनों डायमंड को माइन कर लिया और आसपास में जितने भी आयरन था उनको भी माइन कर लिया। अभी मेरे पास 7 डायमंड हो चुके हैं। घर पे आके मैंने एक और नई चेस्ट बनाई और सारे के सारे जो भी कीमती आइटम थे वो उसके अंदर डाल दिए। जो मेरे को मोस्ट ब्लॉक मिले थे उनको मैंने यहाँ पे प्लांट किया और मुझे पता नहीं था कि मोस्ट ब्लॉक यहाँ पे पेड़ उगा सकता है या नहीं, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। और यहाँ पे मेरे को जो ट्री के सैपलिंग मिले थे मैंने वो भी उगा दिए। फिर मैंने बोन से बोनमीन निकाला और एक ट्री ग्रो करा। भाई इन सुनसान वीरान आइलैंड पे एक ट्री कितना खतरनाक लग रहा है। और आखिर का मेरे पास अब इनफाइनाइट वुड सोर्स है। अब मुझे सारी की सारी डर हटा कि मेरे को इस आइलैंड को बहुत बड़ा करना था जिससे कि मैं एक सेपरेट आइलैंड बना सकूं और उस पे मैं पेड़ उगा सकूं। तो डे 5 को सिर्फ मैंने यही काम किया और यहाँ पे सारी की सारी डर हटाई। डे 5 की रात को मैंने आइलैंड को बड़ा करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 10 ब्लॉक अपने आइलैंड से आगे खींचे। अब रात हो चुकी थी तो जल्दी से मैंने स्टिंग से वूल निकाली और अपने वर्ल्ड का सबसे पहला बेड बनाया। अभी मैं अपने वर्ल्ड में पहली रात को सो सकता हूँ। डे 6 को फिर से मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और अपने आइलैंड को बड़ा करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को अपना सारा काम डीप स्लेट से करना था तो जल्दी से मैंने बहुत सारे डीप स्लेट माइन किया और वापस अपने आइलैंड पे आके अपना काम स्टार्ट कर दिया और एक नया आइलैंड बना दिया। अब मेरे को बस इसमें डर्ट भरनी थी और डर्ट भरने के बाद में मैं इसमें पेड़ उगा सकता हूँ। तो आइलैंड का काम करने के बाद मैंने पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया जिससे कि पेड़ से जो सैपलिंग मेरे को मिलेगी उसको मैं और भी ज्यादा ग्रो करूँ और भी ज्यादा मैं पेड़ उगा सकता हूँ। तो मैंने दोनों के दोनों पेड़ काट दिए और मैं इंतजार करने लग गया कि इसमें से सैपलिंग कब निकले। फिर मैं अपने नए आइलैंड पे आ गया और यहाँ पे मैंने मोस्ट ब्लॉक लगा दिया। भाई मैं एक भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, अगर वो पेड़ नॉर्मल डर्ट पे नहीं उगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी सैपलिंग लगा दी। अब मेरे को सिर्फ चाहिए था बोन मिल जो कि मेरे को फिश मारने से मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले मेरे को डर्ट इकट्ठा करनी थी। तो जल्दी से मैं समुद्र के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मेरे को बहुत सारी डर्ट मिलती है। तो ये सारी की सारी डर्ट मेरे को इकट्ठा करनी थी। तो फिर क्या मैं लग जाता हूँ अपने काम पे और सारी की सारी डर्ट इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे को बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है इसके अंदर, लेकिन अब थाना है तो करना तो पड़ेगा।
समुद्र से डर्ट लाने के बाद में मैंने अपने इस आइलैंड को पूरा किया और जितने भी मेरे पास सैपलिंग थी उनको भी यहाँ पे प्लांट कर दिया। अब मेरे को डर्ट और चाहिए थी तो जल्दी से मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने दरवाजे बनाए जिससे कि मैं अपने समुद्र के अंदर भी सांस ले सकूं और वहां से बहुत सारी डर्ट इकट्ठा करके ला सकूं। साथ के साथ मैंने एक फिशिंग रॉड भी बनाई। अब मेरे को मछली पकड़ने में ज्यादा आसानी होगी। एक बोट बना के मैं सीधा निकल गया मछली पकड़ने के लिए। मैं अपने आइलैंड से इसलिए दूर जा रहा था क्योंकि वहां पे कोई ना कोई मॉब तो स्पॉन हो गया होगा। जब तक वहां पे कोई मॉब स्पॉन होता है जब तक मैं यहाँ पे बहुत सारी फिश इकट्ठा करता हूँ। फिश इकट्ठा करते करते यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा रात हो जाती है और यहाँ पे देखो चांद कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। मेरी शक्ल को मत देखो, पीछे जो चांद है उसको देखो। हमने आइलैंड पे आने के बाद में जो मैं फिश पकड़ के लेके आया था उसको पकाने के लिए डाल देता हूँ। डे 7 की सुबह को मैंने इको चेस्ट बनाई जिसमें मेरे जो भी बेकार आइटम है वो सारा का सारा मैंने इसमें भर दिया। मैंने इसमें फिश तो डाल दी लेकिन इसमें केल्प निकालना भूल गया। इसके बाद में मेरे को वापस से वो निकाल के फिर उसको डालना पड़ा जिससे कि वो पक सके। फिर क्या, मेरे को कुछ ज्यादा काम नहीं था तो डे 7 को मैं सीधा समुद्र के अंदर आता हूँ और यहाँ पे सिर्फ डर्ट और सैंड इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता हूँ। दरवाजे वाली ट्रिक इतनी अच्छी थी कि जिससे कि मैं यहाँ पे समुद्र के अंदर भी सांस ले सकता हूँ तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे डर्ट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। समुद्र में से डर्ट इकट्ठा करके मैंने अपने आइलैंड को बड़ा करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि यहाँ पे कोई ना कोई मॉब तो स्पॉन हो ही जाएगा। तो मैंने बहुत सारे डर्ट से अपने आइलैंड को बड़ा तो कर दिया। फिर क्या, मैंने रो आयरन को पिघलाया और जल्दी से दो सवल बनाई जिससे कि मैं अपने आइलैंड पे जो बेकार इलाका है जो भी बेकार से गंदगी पड़ी है ऊपर वो सारी की सारी गंदगी हटा देता हूँ और अपने आइलैंड को एक बहुत ही अच्छा शेप देता हूँ। मेरे को इसको करने में बहुत सारा टाइम लगा तो जल्दी से आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। डे 7 की रात को भी मैंने समुद्र में गया और यहाँ से बहुत सारी डर्ट इकट्ठा करी। डे 8 की सुबह को मैंने एक नया आइलैंड बनाना स्टार्ट कर दिया जिसमें कि मैं खेती कर सकूं और अपने आलू उगा सकूं और जो मैं ये बनाने वाला हूं उसको मैंने दुबई खेत का नाम दिया है। फाइनली डे 8 की शाम को मैंने ये गोल्ड ब्लॉक तोड़ लिया और इसको कलेक्ट कर लिया। जब मैं दुबई खेत बना रहा था तो मेरे घर पे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं और एक मेहमान तो पता नहीं कौन सी मेहमान नवाजी करने कहां पे जा रहा है। अब मेरे को इनको प्रसाद तो देना ही पड़ेगा। इस मेहमान को देखो वो अपने मस्त बोट के अंदर चिल कर रहा है और दूसरा वाला भाई मेरे घर पे आके मेरे पे तीर छोड़ने लग गया। इसने लगभग मेरे को मार ही दिया था तो मैं जल्दी से पीछे भागता हूं और जल्दी से पहले तो खाना खाता हूं और अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ। अब इसने मेरे को काम करते हुए डिस्टर्ब किया तो आप भुगतना तो पड़ेगा। तो मैंने इसको इसके घर पे भेज दिया और जो दूसरा इसका सरदार था उसको भी उसके घर पे भेज दिया। इसने मेरे को बहुत सारे तीर मारे लेकिन एक भी तीर मेरे को नहीं लगा तो फाइनली मैंने इसको इसके घर पे भेज दिया। डे 9 की रात को मैंने पहली अपनी डायमंड की पिकेट्स बनाई और बच्चा हुआ डायमंड मैंने अपनी चेस्ट में रख दिया और मैंने सारी की सारी अपनी चेस्ट खाली कर दी। अब मैं अपने आइलैंड से बहुत ही ज्यादा ऊपर चल जाता हूँ जिससे कि मेरे आइलैंड पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो और उनमें से एक ज़ॉम्बी विलेजर हो। तो मैं बहुत ऊपर आने के बाद देखता हूँ कि मेरे आइलैंड पे एक भी बंदा नहीं आया, मतलब एक भी मॉब स्पॉन नहीं होता है तो मैं और भी ज्यादा ऊपर चला जाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मेरे को वेट करना सिर्फ एक ज़ॉम्बी विलेजर यहाँ पे स्पॉन हो जाए और उसको मैं ट्रैप कर सकूं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रीपर भी स्पॉन हो गए लेकिन यहाँ पे एक भी ज़ॉम्बी विलेजर मेरे को नहीं दिख रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद में फाइनली मेरे को एक ज़ॉम्बी विलेजर यहाँ पे दिखता है लेकिन मैं उसको ट्रैप कैसे करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज थे। फिर भी मेरे को उसको ट्रैप करना था तो जल्दी से मैं नीचे उतरना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे दो स्पाइडर ने मेरे पे हमला कर दिया। अब मेरी दिक्कत ये थी कि अगर इन्होंने मेरे को टच कर दिया तो मैं यहाँ पे मर सकता था और जैसे मैंने सोचा उन्होंने मेरे को टच कर दिया और मेरे को धक्का दे दिया और मैं यहाँ पे मर चुका हूँ। अब मेरे को मेरा सामान तो वापस चाहिए था लेकिन यहाँ पे मैं ज़ॉम्बी विलेजर को भी नहीं बचा पाऊंगा ये देखना क्योंकि यहाँ पे हड्डी और ज़ॉम्बी विलेजर की फाइट हो जाती है। तो मैंने अपना सामान तो इकट्ठा कर लिया जैसे मैं इसको बचाने लगा लेकिन यहाँ पे मैं ज़ॉम्बी विलेजर को नहीं बचा पाया और यहाँ पे एक क्रीपर आके वो फट जाता है जिससे कि वो ज़ॉम्बी विलेजर भी यहाँ पे मर जाता है। अभी इस हड्डी पे मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि मैंने इसको बहुत ही बेरहमी से मारा लेकिन जाते जाते उसने भी मेरे को एक तीर मार ही दिया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे तो जल्दी से मैंने यहाँ पे बेड लगाया और यहाँ पे सो गया। यहाँ पे एक पानी वाला ज़ॉम्बी आता है जिसका नाम मेरे को पता नहीं, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या है। उसको मैंने मार दिया और मेरे पास जितना भी बोन मिलता है उससे मैंने बहुत सारे पेड़ को ग्रो किया लेकिन ये पता नहीं गायब क्यों हो गए थे तो दूर जाने के बाद में जल्दी से स्पॉन हो गए। अब मैंने जो टावर बनाया था उसको मेरे को हटाना भी था लेकिन यहाँ पे देखो जिस स्पाइडर ने मेरे को मारा था उसको उसके कर्म की सजा मिल गई और यहाँ पे मैंने एक शॉट मार के उसको खत्म कर दिया। मैं फिर से आगे समुद्र के अंदर डर्ट इकट्ठा करने के लिए क्योंकि मेरे को और भी आइलैंड बनाने हैं। तो डे 10 को मैंने बहुत सारी डर्ट इकट्ठा करी। इसी के साथ मेरे को इस आइलैंड पर 10 दिन पूरे हो चुके थे। डे 12 को मेरे एक जंगल में बिन बुलाए मेहमान आता है जिसको मैंने लपेट दिया और बदले में उसने मेरे को तीर गिफ्ट कर दिया। फिर क्या, मैं लग गया एक और आइलैंड बनाने के लिए जहाँ पे मैं अपने शुगर केन को ग्रो कर सकता हूँ। फाइनली शुगर केन फार्म बन के भी तैयार हो चुका है। अब मेरे को सिर्फ वहाँ पे शुगर केन लगाने हैं। मैं एक ज़ॉम्बी विलेजर को ट्रैप करना चाहता हूँ इसलिए मैंने उसके लिए एक छोटा सा बेस बना देता हूँ जिसमें कि मैं आराम से उसको ट्रैप कर सकूँ। वो इस घर के अंदर मैं जल्दी से एक बोट भी रख देता हूँ जिसमें कि वो ट्रैप हो सके और बहुत टाइम इंतजार करने के बाद में डे 14 को मेरा पहला ज़ॉम्बी विलेजर मेरे को मिल जाता है और फाइनली जैसे मैंने सोचा था कि वो बोट में बैठ जाएगा वो बोट में बैठ चुका है।
अभी मेरे को इसको नाम देना है, लेकिन मैं नाम इसको नहीं दे पा रहा था। और जब मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ तब मेरे को पता चलता है कि इसको मैं इसे नाम नहीं दे सकता। पहले मेरे को एनविल बनानी पड़ेगी, उसके बाद में मैं इसको नाम दे सकता हूँ। इस एनविल को यहाँ पे रख के मैं अपने पहले विलेजर का नाम सोचने लग जाता हूँ, और फाइनली मैंने उसका नाम सोच लिया है। हाँ, मैं यही नाम रखने वाला हूँ, पहला चूतिया। फाइनली मेरे पहले चूतिए का नेम टैग बन के तैयार हो जाता है, और मैंने इसको नाम भी दे दिया, ये मेरा पहला चूतिया। तो इसको जल्दी से मैं यहाँ पे पैक कर देता हूँ, और मैं अपना काम करने लग जाता हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे शुगर केन प्लांट करने थे, क्योंकि मेरे को ट्रेड करने का सिर्फ एकमात्र जरिया यही था कि मैं अपने विलेजर से पेपर ट्रेड करके एमराल्ड इकट्ठा कर सकूं। तो मैंने सारे के सारे यहाँ पे शुगर केन प्लांट कर दिए, और आप देखने वाले हो मुझ जैसा गधा इंसान भी आपने कभी देखा नहीं होगा। मैं यहाँ पे फेंस लगाने की जगह फेंस गेट लगा रहा था, और जब मेरे को पता चलता है जब मैंने गलती से इसको खोल दिया, और अभी मेरे को पता चला कि ये फेंस गेट है फेंस नहीं। अभी मेरे को वापस से इनको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं फिर से फेंस बना के इस पे फेंस लगाऊंगा। तो मेरे को अभी वुड की कमी थी, तो मैं अपने जंगल में आता हूँ, सारे के सारे यहाँ पे वुड इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी बच्चे जो सैपलिंग थे उनको मैंने जल्दी से ग्रो कर दिया बोन मिल मार के, क्योंकि मेरे पास बोन मिल की कमी नहीं थी, और मेरे को पेड़ बहुत ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे को विलेजर हाउस भी बनाना है और मेरा खुद का घर भी बनाना है। और आप मेरा घर देख के तो हैरान ही हो जाओगे, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा वुड लगेगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। फिर क्या, मैं फाइनली अपने दुबई खेत के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैं खेती करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे खेत बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं सारे के सारे यहाँ पे खेत छील देता हूँ। बाकी जितने भी मेरे पास आलू थे मैंने सारे के सारे यहाँ पे प्लांट कर दिए, जिससे कि ये और भी ज्यादा ग्रो हो और मैं और भी ज्यादा खेती कर सकूं, क्योंकि अब मेरे को आलू की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इन पे बोन मिल मारा, और जितना भी आलू निकला उनको वापस से प्लांट कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास विलेजर भी है और एक विलेजर और चाहिए मेरे को, उसके बाद में उनसे मैं ब्रीड करवा सकता हूँ। तो जितना भी बोन मिल था मैंने यहाँ पे मार दिया, और सारे के सारे आलू वापस कलेक्ट करने लग गया, और फिर से मैंने इनको प्लांट कर दिया, जिससे कि मेरे पास बहुत सारे आलू हो गए। डे 15 की शाम को मैंने जल्दी से फेंस गेट बनाए, मतलब फेंस बनाए और फेंस लगा दिए। इस बार वैसे हरकत नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया फेंस और फेंस गेट के अंदर अंतर। तो फाइनली मेरे को इस आइलैंड पे पूरे के पूरे 15 दिन हो चुके हैं। तो मेरे पास बची हुई डर्ट से मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा सा बड़ा किया, और फिर से मैं अपने जंगल में आ जाता हूँ वुड इकट्ठा करने के लिए। डे 16 की रात को मैं जल्दी से अपनी बोट को लगाता हूँ, और यहाँ पे समुद्र को एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ, जिससे कि वहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर या फिर मॉब्स स्पॉन हो तो मैं उसको ट्रैप कर सकूं। थोड़ा बहुत दूर आने के बाद में मेरे को ओशियन मॉन्यूमेंट दिखता है, लेकिन पता नहीं वहाँ के गार्डियन मेरे पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं जल्दी से अपनी धुन भगा के भागता हूँ, लेकिन फिर भी एक गार्डियन ने मेरे को माइनिंग फटीक का इफेक्ट दे दिया। इसका मतलब कि मैं माइन नहीं कर सकता, तो मेरे को इसको खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। मैं कुछ ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला था, तो जल्दी से मैं अपने आइलैंड पे आता हूँ। तो कैसे, ये है डे 17 की सुबह। तो आज मैं जाने वाला हूँ नेदर के अंदर, और मेरे को एक लावा पूल मिल चुका है। तो जैसे मैं माइन में आता हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो मेरे को कितने ज्यादा यहाँ पे डायमंड मिले, और पास ही में यहाँ पे लावा पूल है। तो जल्दी से मैंने सारे लावा को ऑक्सीडियन बनाया, और यहाँ पे जितना भी डायमंड था मैंने सारा का सारा कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे को लगभग मेरे को 14 से 15 डायमंड मिले थे, जिनको मैंने सारे को सारे कलेक्ट कर लिए। और यहाँ पे मैं अब ऑक्सीडेंट को कलेक्ट करने स्टार्ट कर देता हूँ। ऑक्सीडेंट को कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इनको कलेक्ट कर लिया। और भी ज्यादा माइन करने के बाद में मेरे को रेडस्टोन मिलता है, यहाँ पे गोल्ड मिलता है, और साथ के साथ मेरे को डायमंड भी मिलता है। इन सभी को मैंने इकट्ठा करके सीधा मैं आ जाता हूँ अपने मेन आइलैंड पे, और फाइनली मैंने नेदर पोर्टल बना दिया, और अभी मैं इसको लाइटिंग करके सीधा नेदर में जा सकता हूँ। तो मेरे पास इतना डायमंड था कि मैं जल्दी से एक चेस्ट प्लेट बना ली, और साथ के साथ एक पेंट भी बना ली। अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ नेदर के अंदर जाने के लिए, और जितना भी मेरे पास गोल्ड था तो मैं उनको ट्रेड करने के लिए गोल्ड भी लेके आ गया। तो मेरा नेदर पोर्टल सीधा किम्सन बायोम में खुलता है। तो जल्दी से मैंने अपने कोऑर्डिनेट के स्क्रीनशॉट लिए, और सीधा मैंने स्ट्रिप माइन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मैं एक खाली एरिया में पहुंच जाऊं। वो टाइम माइनिंग करने के बाद में मेरे को एक एरिया मिलता है जो कि खाली था, लेकिन यहाँ पे मेरे को फोर्ट्रेस से अब मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो मेरे को अभी दूसरी तरफ माइन करना पड़ेगा। लेकिन इधर एक पिगलिंग भाई साहब थे, जिससे कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैंने गोल्ड का लालच दिया, उनको गड्ढे में गिरा दिया। बहुत देर तक इनसे ट्रेड करने के बाद में भी इन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं दिया, और सारा का सारा कचरा ही दे रहा था। और साथ में इसका जो छोटा बच्चा था वो इतना शैतान था भाई, मेरा गोल्ड उठा के भाग गया। अब वो यहाँ पे आ गया था, तो मेरे को इससे बदला तो लेना था। तो मैंने अपना फ्लिंट स्टील निकाला, और यहाँ पे आग लगा के चला गया। अब वो वहीं पे जिंदगी भर वहीं पे रहेगा। तो मैं दूसरी तरफ अपने माइन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मेरे को दूसरी तरफ का एक और रास्ता मिल सके। तो फाइनली यहाँ पे मेरे को एक और रास्ता मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल एरिया खाली था, तो यहाँ पे मेरे को फोर्ट्रेस मिल सकता था। तो फिर क्या, मैंने एक रास्ता बनाया और यहाँ से सीधा निकल गया। बहुत देर तक चलने के बाद में मेरे को एक बायोम मिलता है, जो कि था वॉर्प बायोम। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं एंडर पर्ल इकट्ठा कर सकता हूँ। तो बहुत सारे एंडरमैन को मारने के बाद में मेरे पास थोड़े बहुत एंडर पर्ल इकट्ठा हो चुके थे। मेरे पास कुछ ज्यादा काम नहीं था, तो यहाँ पे बैठे बैठे मैंने बहुत सारे एंडरमैन को मार दिया। साथ के साथ मैंने किम्सन बायोम में से कुछ स्ट्रोम लाइट तोड़े, और यहाँ से मैंने जितने भी पेड़ थे वो सारे के सारे काट लिए, क्योंकि वुड मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। फोर्ट्रेस ढूंढते ढूंढते मेरे को एक बेसन मिलता है। भाई ये बेसन बहुत ही ज्यादा बड़ा था, साथ के साथ मेरे को यहाँ पे इनफाइनाइट बोन मिल का सोर्स मिल जाता है। तो जल्दी से मैंने सील्ड बनाया, और यहाँ पे एक हड्डी में कबड्डी था, तो इस हड्डी और मेरे बड्डी को मैंने लपेट दिया। बाकी यहाँ पे जितना भी बोन मिल था, मतलब कि बोन ब्लॉक थे, वो सारे के सारे बोन ब्लॉक मैंने कलेक्ट कर लिए। फाइनली मैं बेसन के पास में आ जाता हूँ, और यहाँ पे सीधा माइन करके इसके अंदर आ जाता हूँ। लेकिन
लेकिन इस बेसन की बात यह थी कि इसके अंदर चेस्ट वाली लूट बिल्कुल कम थी। मेरे को बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा, जो सामने जितना भी गोल्ड ब्लॉक है वो सारा का सारा कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सारे की सारी चेस्ट लूट लेता हूँ, जिसमें मेरे को डायमंड का आर्मर मिलता है और एक नेदरराइट का इंगट मिलता है। साथ के साथ यहाँ पे जितना भी गोल्ड ब्लॉक था मैंने सारा का सारा कलेक्ट कर लिया। भाई एक राज की बात बताता हूँ, जितना भी यहाँ पे एरिया था ना यहाँ पे आने का, उस सबको मैंने तोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं आ पा रहा। तो जितना भी गोल्ड ब्लॉक था मैंने सारा का सारा कलेक्ट किया और साथ में दूसरे वाली चेस्ट में भी मेरे को डायमंड का आर्मर मिलता है जिसपे की मेंडिंग लगी थी, और एक डायमंड का हेलमेट भी मिलता है जिसको जल्दी से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और बाकी यहाँ पे जितना भी गोल्ड ब्लॉक था जल्दी से मैं इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैंने गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट किया, यहाँ पे सारे के सारे पिगलिन और ओगलिन गुस्सा हो गए और मेरे को मारने के लिए आ गए, तो जल्दी से मैं ऐसे भाग लेता हूँ। फाइनली मेरे को इस कोऑर्डिनेट पे एक मेरे को फोर्ट्रेस मिल जाता है, तो जल्दी से मैंने इस फोर्ट्रेस के अंदर जाने का एक रास्ता बनाया और मैं सीधा अंदर आ गया। और लकीली मेरे को यहाँ पे ब्लेजेस भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को ब्लेज स्पॉनर दिख जाता है, तो मैंने बहुत सारे ब्लेज मारे और यहाँ से जल्दी से ब्लेज रोड इकट्ठा करी। ब्लेजेस को मरता था, एक काला हड्डी पहलवान मेरे पर हमला कर देता है जिसको मैं उसको मौत के हाथ उतार देता हूँ। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मार तो उनको रहा था, चूली इसको मच रही थी। फाइनली डे 17 के दिन को मैं यहाँ पे अपने घर पे वापस आ जाता हूँ और जितनी भी लूट लेके आया था उनको मैं अपने चेस्ट में भर देता हूँ। मेरे को फोर्ट्रेस की एक चेस्ट में से मेरे को एक गोल्डन एप्पल भी मिलता है, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे अपनी ज़ॉम्बी विलेजर को नॉर्मल विलेजर में बदल सकता हूँ। मेरे को फिर से नेदर में आना पड़ा क्योंकि इनसे ट्रेड करनी थी, तो मेरे को बहुत सारा गोल्ड मिला था, तो मैंने इनसे बहुत सारी ट्रेड करी और फाइनली मेरे को इन्होंने बहुत ही ज्यादा बेकार लूट दी। मैं सोच रहा था कि मेरे को एंडरपल दे देंगे, लेकिन इन्होंने एक भी एंडरपल मेरे को नहीं दी। फिर क्या, जितनी भी लूट मेरे को मिली थी वो सारी मैं यहाँ से कलेक्ट करता हूँ। बस एक काम अच्छा हो गया था, इन्होंने मेरे को बहुत ही ज्यादा एरो दे दिए थे। फिर क्या, मैं वापस से वॉर्ड बायोम में आता हूँ और बहुत सारे एंडरमैन को मारता हूँ जिससे कि मेरे को एंडरपल मिल सके। भाई एंडरमैन को चिढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, तो मैंने बहुत सारे एंडरमैन को यहाँ पे मारा और बहुत ही ज्यादा एंडरपल यहाँ पे इकट्ठा करी, लेकिन लास्ट के दो एंडरमैन ने मेरे को कुछ भी नहीं दिया, तो मैं जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ। तो जल्दी से मैं वापस से घर पे आ जाता हूँ और जितनी भी लूट थी मैंने एक चेस्ट बना के उसके अंदर डाल दी और फाइनली मैंने एक एन्चेंटेड टेबल भी बना ली। तो इतनी सी बुक सेल्फ में से मेरे को सिर्फ लेवल 1 की एन्चेंटमेंट मिल सकती थी, तो अभी मेरे को एंडर ड्रैगन को मारना ही पड़ेगा और जो लाइब्रेरी में से मेरे को बुक्स लानी पड़ेगी। डे 17 की रात को मेरे को एक चमत्कार दिखता, भाई मेरे पीछे एक ज़ॉम्बी विलेजर था, अब मेरे को कैसे भी करके उसको ट्रैप करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी बोर्ड को जल्दी से तोड़ा, लेकिन बोर्ड टूटने का नाम नहीं ले रही थी, तो कैसे कैसे करके मैंने बोर्ड को तोड़ दिया और ये ज़ॉम्बी विलेजर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो फाइनली मैंने इस ज़ॉम्बी विलेजर को इस बोर्ड के अंदर ट्रैप कर दिया। अब मुझे इसके आसपास एक एरिया बनाना पड़ेगा जिससे कि इसको धूप से कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन एक मुसीबत कम थी कि दूसरी मुसीबत भी आ गई, यहाँ पे एक क्रीपर आ गया। अब उस क्रीपर को भी बोर्ड की सवारी करनी थी, भाई वो ज़ॉम्बी विलेजर के पास में बैठ गया। अब मेरे को बहुत आराम से इसको मारना पड़ेगा क्योंकि अगर ज़ॉम्बी विलेजर मर गया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली मैंने क्रीपर को मार दिया, ज़ॉम्बी विलेजर यहाँ पे बच गया और मेरे नई ज़ॉम्बी विलेजर को भी मैंने नाम दिया। भाई मेरे ज़ॉम्बी विलेजर के कितने अच्छे अच्छे नाम है ना, तो फाइनली मैंने इस ज़ॉम्बी विलेजर को भी इसका नाम दे दिया जो कि ये चूतिया दो। भाई इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर के जब बच्चे होंगे, जब इसके बच्चे इसके क्या नाम से पुकारेंगे। फाइनली मैंने अपने एंडरपल से आई ऑफ एंडर बनाई और जो भी फालतू का सामान था और जो भी एक्स्ट्रा सामान था मैंने अपने चेस्ट में डाल दिया। और डे 18 को मैं चला गया स्ट्रॉन्ग गोल्ड ढूंढने के लिए, तो मेरा स्ट्रॉन्ग गोल्ड इस साइड में था, तो जल्दी से मैं अपनी आई ऑफ एंडर यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ और बोट लगा के यहाँ से निकल जाता हूँ। इसी के साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन भी पता चल गई थी, वो मेरे बिल्कुल पांव के नीचे है। तो फिर क्या, मैंने जल्दी से अपनी सवाल निकाली और यहाँ पे डिग करना स्टार्ट कर दिया, तो आखिरकार मेरे को ये मिल चुका है। इसी के साथ मेरे को आई स्पाइक की अचीवमेंट भी मिल गई और अभी मेरे को ढूंढना था स्ट्रॉन्ग होल्ड। उसके पहले मेरे को लाइब्रेरी ढूंढना था जिससे कि मैं बुक्स कलेक्ट कर सकूं, तो यहाँ पे मेरे को लाइब्रेरी भी मिल जाती है और अभी मेरे को यहाँ से बहुत सारी बुक्स लेके जानी है। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे बुक्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करी। मेरे को चेस्ट दिखती है जिसमें मेरे को सिर्फ बुक्स मिलती है, तो मैंने सारी बुक्स ले ली। इसी के साथ मेरे को एक और चेस्ट दिखती है, तो उसमें से मेरे को दो एन्चेंटेड बुक मिलती है और फाइनली मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। यहाँ पे मेरे पे सिल्वर फिश ने हमला कर दिया, तो जैसे तैसे करके मैंने उसको मारा और इनका स्पॉनर भी तोड़ दिया। मेरे पास जितनी भी आई ऑफ एंडर थी, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड में आई ऑफ एंडर लगा के मैंने इसको एक्टिवेट किया और फालतू बची हुई आई ऑफ एंडर को मैंने लावा में पटक दिया और सीधा चला गया एंड में। यहाँ पे मेरे को इतना डर लग रहा था कि ये गलती और मेरी सीधी मौत। तो एंडरमैन से बचने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा बेस बनाया और भाई एंडर ड्रैगन ने मेरे मुंह पे ठूका, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने शील्ड बना दी जिससे कि मैं बच गया। भाई एंडर ड्रैगन कितना बेकार है भाई, कहीं कहीं पे भी ठूकता रहता है। फिर क्या, मैंने एक एक करके सारे के सारे क्रिस्टल तोड़े। और फिर से एंडर ड्रैगन ने मेरे मुंह पे थूक दिया। गाइस यहाँ पे मैं एंडर ड्रैगन की फाइट आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो अचानक से लाइट चली गई और मेरी सारी की सारी रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई। तो फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया और तैयारी करने लग गया एंड सिटी में जाके एंड सिटी को लूटने के लिए। तो एंड सिटी में जाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बनाया और सीधा एंडरपल से मैं सीधा पहुंच गया एंड सिटी में। और यहाँ पे मेरे को अब एंड सिटी ढूंढनी थी, तो मैंने थोड़ा सा कोरस फूड इकट्ठा करा और निकल गया एंड सिटी ढूंढने के लिए। फाइनली मेरे को एक एंड सिटी दिखती है जिसपे एंड शिप भी थी, बस मेरे को अब वहां तक पहुंचना था और अपने इस वर्ल्ड का सबसे पहला इलाइटर उठाना था। तो मैं जैसे तैसे करके
एंड शिप के अंदर पहुंच जाता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ मेरे पे हमला कर देता है कि सल्कर अब इसने सोते हुए शेर को जगाया है तो इसकी तो बैंड बजनी है। तो मैंने सल्कर को ठिकाने लगा दिया। तो मैं यहाँ पे दोनों चेस्ट लूटता हूँ, इसमें मेरे को थोड़ा बहुत गोल्ड मिलता है और दूसरे चेस्ट में मेरे को डायमंड का आर्मर मिलता है और फाइनली अभी टाइम है इलाइटर लेने का। तो इसी के साथ मेरे को मेरा वर्ल्ड का सबसे पहला इलाइटर मिल गया। यहाँ से मैंने जल्दी से ब्रेविंग स्टैंड भी कलेक्ट कर लिया और ड्रैगन का हेड भी ले लिया। अब मेरे को सल्कर बॉक्स बनाने थे तो जल्दी से मैंने बहुत सारे सल्कर को मारा। और यहाँ पे आ गया इन चेस्ट को लूटने के लिए। तो पहले चेस्ट में मेरे को डायमंड का आर्मर मिलता है, मतलब चेस्ट प्लेट मिलती है और थोड़ा बहुत आयरन मिलता है। और दूसरे चेस्ट में मेरे को गोल्ड आयरन और एक डायमंड का हेलमेट मिलता है। ऐसे करके मैं दूसरे चेस्ट को लूटने के लिए आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को पहली डायमंड की पिकेट्स मिलती है जो कि थी एन्चेंटेड और एक डायमंड का हेलमेट मिलता है। दूसरे चेस्ट में मेरे को कुछ खास तो नहीं मिलता लेकिन हाँ एक डायमंड की चेस्ट प्लेट मिलती है। तो फाइनली डे 26 को मैं अपने घर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाता हूँ जिससे कि मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर को नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट कर सकूँ। इसी के साथ मैंने पोर्शन ऑफ वीकनेस अपने ज़ॉम्बी विलेजर पे पटका और एक गोल्डन एप्पल खिला दिया। बस मेरे को वेट करना था कि एक नॉर्मल विलेजर में बदले। दूसरे वाले ज़ॉम्बी विलेजर पे भी मैंने पोर्शन ऑफ वीकनेस मारा और उसको गोल्डन एप्पल खिला दिया। अभी मेरे विलेजर भी तैयार थे तो डे 27 को मेरे को अपना विलेजर हाउस और मेरा हाउस बनाना था। तो जल्दी से मैं अपने जंगल में आता हूँ और सारे के सारे लीव्स ब्लॉक इकट्ठा करना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को डेकोरेशन के लिए लीव्स ब्लॉक बहुत ही ज्यादा जरूरत है और जो मैं अपना घर बनाऊंगा उसमें लीव्स ब्लॉक बहुत ही ज्यादा चाहिए होंगे। तो मैं अपने ड्रैगन के हेड को अपने आइलैंड पे सजा देता हूँ और ये कितना खतरनाक सा लग रहा है। बाकी मेरे पास जितने भी डायमंड के आर्मर और लूट मिली थी वो मैंने एक चेस्ट बना के डाल दिए उसमें और अभी टाइम है अपने पूरे जंगल को खाली करने का। तो मैंने पूरे दिन यही काम किया, मैंने अपना वुड इकट्ठा किया और उनपे वॉलमिल मार के उनको वापस ग्रो किया। अब मेरे विलेजर बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे तो मेरे को अभी इनकी जरूरत नहीं थी। अभी मेरे को दोनों विलेजर को एक साथ रखना था तो मेरे को इनका घर भी बड़ा करना था। तो जल्दी से मैंने इनका घर थोड़ा सा बड़ा किया और दूसरे वाले विलेजर को उसके घर से निकाल के पहले वाले विलेजर के पास में लेके आ गया जिससे कि इन दोनों को मैं ब्रीड करवा सकूं। डे 29 को मैंने बहुत सारे आलू इकट्ठा करे क्योंकि मुझे अपने विलेजर को अभी ब्रीड करवाना था और जितने भी आलू मेरे को वापस मिले उनको मैंने उगा दिया और फाइनली मैंने आलू अपने विलेजर को दे दिए जिससे कि वो अपनी प्रजाति बढ़ा सके। पता नहीं ये विलेजर कितने जन्मों से भूखे थे, सारे के सारे आलू खा गए मेरे और फाइनली इनका काम भी स्टार्ट हो चुका है। फिर क्या मैंने अपने जंगल को फिर से बोन मिल मार के ग्रो किया क्योंकि मेरे को अभी वुड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और मेरे को लगभग बहुत ही ज्यादा वुड चाहिए होगा। तो मैं पूरे 2 से 3 दिन से भी यही काम करता था, सिर्फ मेरे को वुड इकट्ठा करना था। फिर मैंने 2 नई चेस्ट बनाई और उसके अंदर मैंने सारा का सारा काम टिपर डाल दिया। डे 30 को मैंने अपने विलेजर हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया और ये विलेजर हाउस मैं अपने मेन आइलैंड से 10 ब्लॉक दूर बनाऊंगा। तो फिर क्या मैंने अपना काम स्टार्ट किया और विलेजर हाउस बनाने लग गया। डे 31 की रात को मैंने अपने दुबई खेत को थोड़ा सा बड़ा किया क्योंकि अभी मेरे विलेजर भी आ चुके हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा आलू की जरूरत पड़ेगी। फाइनली मेरे वर्ल्ड का सबसे पहला आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन हो चुका है। इसका मतलब कि मेरे 3 विलेजर हो चुके हैं और इधर के साथ मैं अपना विलेजर हाउस बनाने वाला हूँ और ये मेरा दुबई खेत और जितनी भी मेरे पास बुक सेल थी तो मैंने अपने एन्चेंटेड टेबल के पास में इनको रख दिया लेकिन फिर भी मेरे को अच्छी एन्चेंटमेंट नहीं मिल रही थी। तो मैंने डीप स्लेट से बहुत सारी स्टेट्स बनाई जिससे कि मैं अपने दुबई खेत को और भी ज्यादा अच्छा बना सकूं। फिर क्या मैं अपने दुबई खेत में आता हूं और इसको और भी अच्छा करना स्टार्ट कर देता हूं। और मेरे इस सुनसान सफर में मेरी एक पहली दोस्त यहाँ पे आ चुकी है। मेरे इस आइलैंड पे एक बिल्ली स्पॉन होती है। अपने इस विलेजर ने तो खुद ने अपनी जॉब पकड़ ली। भाई तेरे को जॉब किसने दी, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं दी। फिर क्या मैं जल्दी से अपने दूसरे वाले आइलैंड पे आता हूँ और विलेजर हाउस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे को ये विलेजर हाउस थोड़ा सा ओपी बनाना था तो मैंने बार बार में इसको तोड़ा और फिर वापस सही किया जिसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। मैं अपने विलेजर हाउस को थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बनाऊंगा तो मैं फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करूंगा, नीचे रहेगी खेती जहाँ पे मैं अपने एक विलेजर को फार्मर बना सकूं।
तो फाइनली मेरा विलेजर हाउस बनके तैयार हो चुका है। बस मेरे को ये स्लैब लगाने हैं जिससे कि थोड़ा बहुत विलेजर हाउस मेरा और भी अच्छा लगे। फिर मैं अपने दुबई खेत में आता हूँ और इस सारे खेत को बिल्कुल प्रॉपर कर देता हूँ। और यहाँ से देखने पे मेरा विलेजर हाउस कितना खतरनाक और कितना ओपी लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये विलेजर हाउस कैसा लग रहा है। तो मैं अपने लेवस ब्लॉग से अपने विलेजर हाउस को थोड़ा सा डेकोरेट करता हूँ। फाइनली मैंने एक कंपोस्टर बनाया और यहाँ पे रख दिया जिससे कि एक विलेजर आके यहाँ पे फार्मिंग की जॉब संभाल ले। अपने विलेजर हाउस का थोड़ा सा रास्ता बड़ा करने के बाद में मेरा विलेजर हाउस बिल्कुल तैयार है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये विलेजर हाउस कैसा लगा। डे 87 की रात को मैंने सारे विलेजर के बेड उठाए और अपने नए विलेजर हाउस में जाके रख दिए। डे 40 की शाम को मैंने सारे के सारे आलू वापस उगाए और ऊपर आने के बाद में अपना दुबई खेत कितना खतरनाक सा और कितना ओपी लग रहा है। इसी के साथ अपना विलेजर हाउस भी कितना ओपी लग रहा है। और गाइस अभी टाइम है अपना खुद का अपना पर्सनल घर बनाने का। मैं बनाने वाला हूँ अपना एक खतरनाक सा ट्री हाउस। तो मैं जल्दी से अपने इस आइलैंड पे जितनी भी गंदगी थी वो सारी की सारी साफ करता हूँ जिससे कि मैं अपना ट्री हाउस यहाँ पे बना सकूँ। तो ट्री हाउस बनाने से पहले मैं अपनी माइंड को यहाँ पे बंद करने वाला हूँ। तो मैं स्टेप्स लगा के अपने पूरे के पूरे माइंड को यहाँ पे कवर कर देता हूँ जिससे कि मैं अपना ट्री हाउस यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर सकूँ। डे 42 को अब मैंने अपने वर्ल्ड का सबसे पहला सर्कल बॉक्स बनाया और इन सारे सर्कल बॉक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था वो सारे के सारे डाल दिया। मैं अपने विलेजर हाउस में आता हूँ, यहाँ पे देखो दो विलेजर की अभी मीटिंग चल रही है। तो चलो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, मैंने जितने भी सर्कल बॉक्स थे और जितने भी चेस्ट थी वो यहाँ पे रख देता हूँ। मेरे को मेरे विलेजर बिल्कुल कम लग रहे थे तो मैं जल्दी से नेदर के अंदर आके देखता हूँ कि मेरे विलेजर यहाँ पे है नहीं। मेरे विलेजर के साथ साथ यहाँ पे एक आयरन गोलम भी है। भाई ये पता नहीं ये कैसे नेदर के अंदर आ गए। यहाँ पे देखो ये दो नल्ले विलेजर यहाँ पे टेल रहे हैं। तो मैंने जैसे तैसे करके धक्का दे देके इनको इनके घर पे तो भेज दिया। भाई ये जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, फिर भी मैंने कैसे तैसे करके इनको अपने वापस से आइलैंड पे भेज दिया। मैं सोच रहा था कि इस आयरन गोलम को यहीं पे पड़े रहने दो, लेकिन क्या करूं, फिर वहां पे एक ही आयरन गोलम था तो मैंने इस आयरन गोलम को भी अपने घर पे भेज दिया। मैं नेदर के अंदर आया था केम्सन बायोम के और वो फार्म के वुड इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी मेरा खुद का घर बनाना है तो मेरे को बहुत ही ज्यादा इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वुड इकट्ठा करता हूँ। और फाइनली मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना ट्री हाउस बनाने का। तो मैं नीचे से तो बहुत ही चौड़ा रखूंगा अपने ट्री हाउस को, तो मेरे को इसको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड बनाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये ट्री हाउस बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है, तो जल्दी से आप कमेंट कर दो कि आपको अभी तक की वीडियो कैसी लगी। एक हाइट आने के बाद में मेरे को अपना बेस बनाना था और तो उसे अपने ट्री हाउस को डिजाइन देना था, तो मैंने इसको स्टेट्स की डिजाइन दे दी। और अभी मेरे को हाइट पे अपना एक छोटा सा बेस बनाना था, तो मैं अभी बनाने वाला हूँ थोड़ी सी हाथ जैसी डिजाइन। तो यहाँ पे मैं स्लैब से अपना बेस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। डे 50 को मैं अपने नीचे सोने के लिए आता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो एक विलेजर मेरे बेड को हत्या के सो रहा था। और फाइनली मैं अपना छोटा सा बेस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने पिलर बनाने के लिए वर्क बायोम के वुड को चुना क्योंकि ये थोड़ा बहुत चमकता है और थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है। तो जल्दी से मैंने इस वुड के पिलर बनाए। और छत बनाने के लिए मैंने केम्सन बायोम के वुड को इस्तेमाल किया जिससे कि मेरा हाउस थोड़ा सा दूर से अलग से दिखे। डे 60 को मेरे घर पे एक ट्रेडर आता है और यहाँ पे ये बिल्कुल बेकार ट्रेड रह रहा था, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं। और फिर से मैं अपने छत बनाने के लिए आ गया। अब छत बनाते बनाते मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं उसको मारूंगा नहीं तो मेरा माइनक्राफ्ट मेरे को पाप देगा। तो जल्दी से मैंने अपनी छत कंप्लीट करी और इसके ऊपर फेंस लगा दी जिससे कि अपने घर का थोड़ा बहुत अलग डिजाइन दिखे। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो माइनक्राफ्ट के देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। तो मैंने जल्दी से इसको लपेट दिया और इसके दोनों के दोनों लामा को भी लपेट दिया। मैं स्ट्रोब लाइट लगा के अपने ट्री हाउस को थोड़ा सी रोशनी देता हूँ और कसम से स्ट्रोब लाइट लगाने के बाद में अपना हाउस बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा था। फिर अपने ट्री हाउस की मैंने थोड़ी बहुत और भी हाइट बढ़ाई और दूसरी साइड अपना एक और हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया। और इस हाउस के पिलर मैंने केम्सन बायोम के वुड से ही बनाए क्योंकि ये वाले वुड भी बहुत ही ज्यादा चमकते हैं। और इस हाउस को मैंने थोड़ा सा डबल फ्लोर का बनाया क्योंकि अगर मैं सेम बना देता तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता। और फाइनली छत बनाने के बाद में मेरा ये ट्री हाउस कंप्लीट हो जाता है। अब मेरे को बस यहाँ पे लीव्स लगानी थी। अब मैंने ट्री हाउस बनाया और उस पर लीव्स न लगाऊं तो वो ट्री हाउस नहीं खिलेगा। तो डे 80 को मैं ट्री हाउस पे लीव्स लगाना स्टार्ट कर देता हूँ और इसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि मैं प्रॉपर ये लीव्स लगाने वाला हूँ। लीव्स लगाने के बाद डे 90 को मैंने अपने चारों के चारों आइलैंड को एक साथ जोड़ने का फैसला लिया और अपने चारों आइलैंड को एक साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने विलेजर को थोड़े बहुत और भी आलू खिलाए जिससे कि देखो ये छोटे मोटे नन्हे विलेजर और भी आ गए। अभी मेरे इस आइलैंड पे छोटे बच्चों की कोई कमी नहीं। मैं फिर से नेदर के अंदर आता हूँ नेदर के इकट्ठा करने के लिए और मैं अपने आइलैंड को अलग अलग बायोम के हिसाब से जोड़ रहा हूँ जिससे कि थोड़ा बहुत और भी ज्यादा सुंदर दिखे। मेरे को काम करते करते एक और चमत्कार दिखता है। यहाँ पे एक विलेजर पता नहीं क्यों दुखी होकर जा रहा था। अब मैं सोच रहा था कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन नहीं भाई, वो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके जा रहा था। पहली बार में तो मैंने बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जब अगले दिन देखता हूँ यहाँ पे वो विलेजर गायब हो चुका है। मतलब वो विलेजर यहाँ से जा चुका है, उसके पीछे पीछे एक दूसरा विलेजर भी जा रहा था। भाई ऐसे तुम अगर नाराज होते होते जाते रहोगे तो मेरे इस विलेजर हाउस का क्या मतलब रहेगा। तो मैंने इसको मार मार के समझाया
ना मुन्ना ऐसे नहीं करते, ऐसी छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते, और इसको सीधा मैं अपने आइलैंड पे लेके आ जाता हूँ। तो इधर ये कमी थी, यहाँ से सारे के सारे विलेजर बाहर आ रहे थे, तो यहाँ से विलेजर भाग ना सके, तो मैंने यहाँ पे एक और लेयर फेंस लगा दी, जिससे भी कैसे भी करके ये विलेजर यहीं पे रहे। फिर मैंने अपने आइलैंड पे चारों तरफ फेंस लगा दी है, जिससे कि विलेजर कहीं से भी भाग ना सके। अभी मेरे को एक खतरनाक सा नेदर पोर्टल बनाना था, तो मैंने यहाँ पे नेदर पोर्टल तो बना दिया। अभी इसको डिजाइन देने के लिए मैंने ब्लैक स्टोन स्टेट्स का इस्तेमाल किया और इसको एक खतरनाक से डिजाइन दी, और साथ के साथ किम्सन भाइयों की वुड से मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे लावा जैसा इफेक्ट दिया, और कसम से बहुत ही ज्यादा ओपी दिख रहा था, और रात में तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, क्योंकि इस वुड से रात को थोड़ा बहुत ब्लड इफेक्ट आ रहा था। और फाइनली अपना नेदर पोर्टल बिल्कुल तैयार है, बस मेरे को इसको लाइट अप करना है, और इसी के साथ मेरा नेदर पोर्टल बिल्कुल तैयार हो, कितना ओपी लग रही है। मैं जल्दी से नेदर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा स्पॉन पॉइंट किधर है। तो ये वाला नेदर पोर्टल भी वहीं पे खुलता है जहाँ पे मेरा पहला स्पॉन पॉइंट है। फिर मैं अपने दूसरे आइलैंड पे आता हूँ और इसको थोड़ा सा बोन मिल मार मार के उसको जंगल इफेक्ट देता हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा जंगल जैसा लगे और अपना आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगे। अब आइलैंड पे मेरे छोटे छोटे विलेजर के हाउस ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो जल्दी से मैं विलेजर के हाउस बनाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मैंने विलेजर हाउस बना रखा है, लेकिन विलेजर के छोटे छोटे घर भी बनाना जरूरी है। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं अपना खतरनाक सा ट्री हाउस, ये रहा वो खतरनाक सा ट्री हाउस। जल्दी से मैं सारे के सारे आइलैंड पे फेंस लगा देता हूँ, और पूरे आइलैंड के फेंस लगाने के बाद में मेरे पूरे के पूरे 100 दिन हो जाते इस आइलैंड पे, और इन पूरे 100 के 100 दिनों में मैंने इस आइलैंड पे बहुत ही कुछ किया, जिसकी कि आप एक नजर ही देखो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो गाइस, मैं फाइनली मेरे 100 डे कंप्लीट हो जाते हैं, और इसी के साथ मेरे को इस आइलैंड में बहुत ही ज्यादा मजा आया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।